फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का एक और केस दर्ज हुआ है। इस बार गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना पर केस किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर ने कंगना के एक बयान पर आपत्ति जताई है। कंगना ने दावा किया था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकाया और ऋतिक रोशन से माफी मांगने के लिए कहा था। बॉलीवुड खबरों की वेबसाइट स्पॉट बॉय की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा लिखा है कि जावेद अख्तर ने कंगना को धमकी नहीं दी। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और जावेद अख्तर लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अदालत के बाहर सेटलमेंट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक्ट्रेस की बहन और मैनेजर रंगोली चंदेल ने ट्वीट कर जावेद अख्तर पर कंगना को धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था, जावेद अख्तर ने कंगना को घर बुलाया और धमकी दी कि वे ऋतिक रोशन से माफी मांग ले। महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी क्योंकि उसने भट्ट की फिल्म में सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। वे प्रधानमंत्री को फांसीवादी कहते हैं। चाचा जी आप दोनों क्या हो? आपको यहाँ बता दें कि कंगना 2009 से 2013 तक ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में रही थी। ब्रेकअप के बाद दोनों का विवाद खूब चर्चा में रहा था। 2016 में एक शो पर कंगना ने ऋतिक को सिली एक्स कहा था और दावा किया था कि सबूत के तौर पर उनके पास वो मेल है जो ऋतिक ने उन्हें रिलेशनशिप में रहने के दौरान किए थे। इसे लेकर ऋतिक ने कंगना के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। अक्टूबर में कर्नाटक के टुमकुर में कंगना के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उन पर किसानों के अपमान का आरोप लगा था। इसके बाद मुंबई में दो केस हुए। इनमें कंगना पर धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और अदालत का अपमान करने का आरोप लगा था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।